वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का ही कुछ एक और नोट्स रिप्रेजेंट्स ऑफ द नंबर लाइंस के बारे में ये नोट्स बताएंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का जो है एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भैया बहनों से, ठीक है, कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वीडियो को पॉज करके जो है वह नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा, और पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे रिप्रेजेंट्स ऑफ द नंबर लाइन इन द रेशनल नंबर, ओके। तो जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मैं यहाँ ये बताऊंगा कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसे जो है हम नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हमें ज़रा नोट्स जो बनाए हैं इसको समझाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको जिस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसा ही एक लाइन पहले खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है, और इसके सबसे बीचों बीच एक लाइन देखना है, ये कहलाता राइट साइड, राइट साइड ये है, और ये क्या है? लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये LHS है और ये RHS है। देखिए, अपने दाहिने तरफ ये दाहिना तरफ चला गया, मतलब राइट हो गया, और ये लाइन लेफ्ट की ओर, इसीलिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब कि करनी क्या है, आपको जो लाइन खींचे हैं, ठीक है, जैसे हमने जो है कुछ पॉइंट्स वाइज भी समझाया, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं बी ड्रॉ अ लाइन, पहले क्या करना है हम लोगों को, एक लाइन ड्रॉ करना है। सेकेंड पॉइंट बोला है बी मार्क ए पॉइंट ओ, पहले एक मार्क कर देना ओ पॉइंट को, ठीक है, ऑन इट एंड नेम इट्स जीरो, और इसको क्या इंडिकेट करना है? जीरो इंडिकेट करना है, जो हमने ओ को लिया उस वहाँ से जीरो इंडिकेट कर दिया, ठीक है। मार्क ए पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो, नेम इट वन। अब जीरो से देखिए, ये जीरो हो गया, तो जीरो से जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, यहाँ रहे, जीरो से हम राइट और जाएंगे, ठीक है, तो एक लाइन बनानी है, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट, यानी आगे तक इस तरह से आपका चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही बोला था कि देखिए, मार्क अ पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो, नेम इट वन, देन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। और एक पॉइंट, ये देखिए, ये जीरो से वन है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? आपका यूनिट डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे O से A, A से B, B से C, C से D, एक यूनिट का चल रहा है ना, तो ये यूनिट डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क ए पॉइंट टू द राइट ऑफ द वन यूनिट डिस्टेंस एंड नेम इट टू। इसी तरह से हमें वन टू थ्री, पॉजिटिव में देखिए, इधर जैसे हम पढ़ेंगे ना, राइट साइड पढ़ेंगे सब पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव नहीं लिखना है ये साइड, राइट साइड में क्या लिखना है? ओनली पॉजिटिव नंबर, जैसे जीरो तो ओरिजिन पॉइंट था, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से चलता चला जाएगा, समझ में आया ना, ठीक। प्रोसीडिंग
proceeding in this manner, we can mark 0.3, 4, 5, 6, etc. Similarly, we can mark -1, -2, -3, -4, -5, -6. देखो, जीरो के बाद लेफ्ट साइड हम इधर चलेंगे, ये साइड में अगर हम जाएंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में सब लिखा जाएगा। कौन सा पॉइंट में? -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से हम इधर जाएंगे तो माइनस में लिखा जाएगा। ओके, वही बताया गया है ना कि सिमिलरली वी कैन मार्क -1, -2, -3, -4, -5 टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। दिस लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये भी क्या है? नंबर लाइन। नेक्स्ट है, दिस लाइन एक्सटेंड इनडिफिनिटली ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड जो है इसी तरह से चलेगा, लेकिन राइट में पॉजिटिव एंड लेफ्ट में नेगेटिव। ओरिजिन पॉइंट इज जीरो। ठीक है, याद रहेगा? वेरी सिंपल है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, द पॉजिटिव रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन टू द राइट ऑफ ओ वेयर द नेगेटिव रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द नंबर लाइन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। लेफ्ट में माइनस रहेगा और राइट में, ओ का राइट में पॉजिटिव और ओ का लेफ्ट में नेगेटिव। एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस लाइन। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंटू विच द फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड, वेयर इन द नंबरेटर्स इंडिकेट एज टू हाउ मेनी टू दिस पार्ट्स आर टू टेक इन द कंसिडरेशन। नेक्स्ट, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड indefinitely many rational number between any two given rational number, we can take the help of the idea of the mean of this purpose. अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज, जो NCERT बुक का जो एक्सरसाइज है, chapter 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। इस ये क्वेश्चंस आपका बुक में दिए हुए हैं, NCERT बुक में। देखिए, बुक रखिए आप अपने पास और देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपको इसे एक प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है फाइंड करनी है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज जो आप शो किया जा रहा है, इसमें आपको ये चेक करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा रही है। अभी हम जस्ट बताएंगे भी। ओके, और इसे कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है -2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2/5 × −3/7 − 1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। अब इसे सॉल्यूशन करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका हम सॉल्यूशन पार्ट्स भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, और पूरा समझने का प्रयास भी करिएगा और नोट डाउन भी अपनी कॉपी में करनी है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन था, वी हैव −2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है पहले इसे कुछ अरेंज करनी है, इसीलिए बताया गया है बाय रीग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अब देखना क्या है,
कि माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव, ये सेम जैसा तो दिख रहा है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। और ये मल्टीप्लिकेशन में देखिए, माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव, ये किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। और तो इसे हमें क्या करना, बाय ग्रुपिंग पहले करनी है। तो चलिए हम बाय ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो बाय ग्रुपिंग करते हैं तो क्या हमारा आता है, माइनस ये देख लीजिए यहाँ है, माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव, या माइनस टू y3 इंटू थ्री वाई फाइव माइनस थ्री वाई फाइव इंटू वन वाई सिक्स प्लस फाइव वाई टू। अब करने क्या, देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। उसके बाद माइनस यूज किया गया है यहाँ पे, देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन सिक्स, ये भी मल्टीप्लिकेशन में यूज किया गया है, बाकी ये ऐड है ना, दिख पा रहा है। तो क्या करनी है, इतना में हमें देखिए मैच नंबर कर रहा है, इतना में देखिएगा इतने सारे में कि माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है, में से और थ्री बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव इंटू वन बाई सिक्स, तो ये नंबर और ये नंबर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। अब दोनों ही है जो मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्यों ना हम यहाँ कॉमन ले लिया जाए। तो कॉमन आ जा रहा है कितना, थ्री बाई फाइव का कॉमन हो रहा है, कितने का है कॉमन, थ्री बाई फाइव का। तो देखो अगर हम थ्री बाई फाइव का कॉमन लिए हैं तो बच गया कितना हमको, यहाँ बच गया, एक बच गया है माइनस टू अपॉन थ्री जो लिखा है यहाँ पे, दूसरा क्या बच गया, वन वाई सिक्स, ये वाला बच गया पार्ट्स, बीच में माइनस था तो माइनस टू अपॉन थ्री फिर माइनस वन अपॉन सिक्स, और ये प्लस में था ना ये वाला पार्ट्स, है ना, प्लस फाइव बाई टू। अब क्या गया है, क्या यहाँ पर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज किया जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा इस प्रोसेस में, आपको बताना है, देखिए बता रहे इस स्टेप में। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ी सी इसमें और डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थ्री वाई फाइव इंटू या थ्री वाई फाइव टाइम्स टू माइनस टू वाई थ्री माइनस वन वाई सिक्स प्लस वन फाइव वाई टू, ये जो हमने अभी पढ़कर बताया। ओके, अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज, आपको कुछ ऐसा सोचना है जिसका हम डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कितनी है, थ्री है, यहाँ पर कितनी है, सिक्स है। चाहे तो आप अपना जो यूज करते हैं नियम एलसीएम थ्री और सिक्स का एलसीएम लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करनी है, हमें यहाँ जो थ्री जो दिख रहा है इसका सिक्स का इक्वल कर देना है, क्या कर देना है, सिक्स का इज इक्वल कर देना है। तो देखिए कैसे किया जा रहा है, थ्री वाई फाइव, ये थ्री वाई फाइव तो थ्री वाई फाइव नोट हो गया, इंटू था, इंटू भी यहाँ पर नोट हो गया। ओके, अब क्या करना है हमको, एक्चुअली इसको कितना करना है, सिक्स करना है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबरेटर को भी कितना से करना होगा, टू से करना होगा। तो देखिए माइनस टू बाई थ्री, ये तो पहले से लिखा हुआ था ही, अब इंटू कर दिए, अब इंटू कर दिए, और डिनोमिनेटर और नंबरेटर में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टू से कर दिया, ठीक है। टू से इसलिए किया कि ये क्या हो जाए, सिक्स हो जाए, थ्री इंटू टू की कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस माइनस साइन आप देख पा रहे हैं,
तो सेम प्रोसेस उसमें, तो सिक्स, ये तो सिक्स था, तो सिक्स करने के लिए क्या करना होगा, वन से मल्टीप्लाई करना होगा वैसे, तो वन इंटू वन वाई सिक्स इंटू वन, ठीक है। अब देखिए प्लस फाइव बाई टू, ये जो था नोट हो गया। अब क्या करनी है यहाँ पे, सेम थ्री बाई फाइव ये जो था यहाँ पर नोट हो गया, ये थ्री बाई फाइव जो था ये वाला यहाँ पर नोट हो गया, ठीक है। अब क्या करनी है, ये टू टू जा कितना हो गया, तो टू टू जा माइनस फोर हो गया, माइनस में साइन था, और थ्री टू जा सिक्स और वन बाई सिक्स। अब देखिए एलसीएम क्या हो गया दोनों का, एकदम सेम हो गया, सेम करने के लिए ऐसा एक्चुअली किया गया था, प्लस फाइव बाई टू ये जो यहाँ से नोट हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट स्टेप इसमें, ओके, इसमें क्या देखते हैं हम कि थ्री बाई फाइव ये जो था ये नोट हो गया, अब सिक्स ऑफ सिक्स एलसीएम इज सिक्स, ठीक है, तो माइनस फोर और माइनस वन, माइनस फोर और माइनस वन प्लस फाइव बाई टू जो था शो हो गया। अब क्या करना है, थ्री बाई फाइव ये वाला जो था ये नोट हो गया यहाँ पे, इनटू था ये, इनटू भी यहाँ नोट हो गया, और माइनस याद रखिए यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ जो शो कर रहा है माइनस और माइनस, माइनस फोर और माइनस वन, तो कितना होता है पता है, माइनस फाइव होता है, कितना होता है, माइनस और माइनस कहीं भी रहे तो कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस में रहेगा, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक और बता देते हैं, यहाँ से माइनस टू और माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस सेवन हो जाएगा, माइनस सिक्स माइनस टू बराबर हो जाएगा कितना, माइनस एट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने देखा क्या, ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस फोर और माइनस वन जो है कितनी हो गई, माइनस फाइव हो गया, ओके। तो नोट डाउन हो गया, थ्री बाई फाइव इंटू माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव बाई टू। अब क्या करनी है हमें, अब ये दोनों में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका। तो देखिए ये दोनों में जब मल्टीप्लिकेशन किए तो थ्री टू जा कितना हो गया, सिक्स टू टाइम्स और फाइव वन जा फाइव, यानी कितने बच गई, माइनस वन बाई टू, ठीक है, और प्लस फाइव बाई टू, यही बचा ना हमारा, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ तो मैं कितना बचा, माइनस वन बाई टू प्लस फाइव बाई टू, क्यों, क्योंकि देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, थ्री टू जा सिक्स और फाइव वन जा फाइव, यानी माइनस वन बाई टू प्लस फाइव बाई टू। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हम देखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, माइनस वन बाई टू प्लस फाइव बाई टू। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एलसीएम टू और टू का एलसीएम कितना हो गया, टू हो गया, यानी माइनस वन प्लस फोर, ठीक है, तो कितनी हो गई, अब देख पा रहे हैं फोर बाई टू, तो टू टू जा फोर कैंसिल हो जाती है, ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया इसका, टू, दस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टू। देखो कैंसिल कैसे किया गया, यहाँ पर जो हमने पिछले स्लाइड बताए थे यहाँ पर वो बता दिया गया है, ठीक है, अभी हमने बताया था ना, थ्री टू जा सिक्स और फाइव वन जा फाइव, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं, वी हैव टू वाई फाइव इंटू माइनस थ्री वाई सेवन माइनस वन वाई सिक्स इंटू थ्री वाई टू प्लस वन वाई फोर्टीन इंटू टू वाई फाइव, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम बाय रीग्रुपिंग करेंगे, ओके, यहाँ हम रीग्रुपिंग करेंगे
तो रीग्रुपिंग में देखते हैं कि जो कॉमन आ सके वैसे नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, टू बाई फाइव ये नोट हो गया, इंटू माइनस थ्री बाई सेवन यहाँ से ये नोट हो गया, प्लस वन बाई फोर्टीन जो मल्टीप्लिकेशन का था, देखिए वन बाई फोर्टीन यहाँ से है ना, यहाँ से वन बाई फोर्टीन, तो प्लस वन बाई फोर्टीन हो गया, इंटू टू बाई फाइव, टू बाई फाइव नोट हो गया, माइनस वन बाई सिक्स और थ्री बाई टू, माइनस वन बाई सिक्स और थ्री बाई टू, रीग्रुपिंग कर लिए। ठीक है, अब क्या करनी है हमें, रीग्रुपिंग करने के बाद अब यहाँ से जो है यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक हमने रेड लाइन दिया है, ओके, अब यहाँ तक हमें देखना है कि कॉमन कितने का है। ठीक है, कॉमन मीन्स जो मैच करे नंबर, तो ध्यान से रखिए टू बाई फाइव और टू बाई फाइव यहाँ है, मतलब ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट से देखिए बाहर में हमने लिख दिया यहाँ कितना, टू बाई फाइव, इंटू का साइन हमने लगा दिया यहाँ। उसके बाद इस जितना भी हमने रेड लाइन दिया है उसमें बच गया कितना, तो देखते हैं, माइनस थ्री बाई सेवन बचा है, प्लस वन बाई फोर्टीन बचा है, फिर माइनस जो यहाँ था माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू, हमने जितना था उतना हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्टेप में, इतना तक तो समझ में आ गई होगी। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पहले तो हमने जितना था उतना तो नोट किया, अब क्या करने, हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये देखिए कितना है, सेवन माइनस थ्री बाई सेवन प्लस वन बाई फोर्टीन, तो अब क्या करनी है, देखो इसमें कितना फोर्टीन ये है ना, तो हमको यहाँ सेवन को भी क्या कर देनी है, फोर्टीन कर देनी है, बराबर कर देनी है। ठीक है, तो सेवन को फोर्टीन लाने के लिए हमें कितना करना होगा, उसको टू से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि थ्री को कितना करना था, सिक्स करना था, तो टू से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से सेवन को हमको फोर्टीन लाना है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या गया, टू बाई फाइव यहाँ से ये नोट कर दिया गया, यहाँ पर इंटू था, इंटू हमने लिख दिया, अब कितना है, इसको कितना करना है, फोर्टीन करना है, तो सेवन इंटू फोर्टीन, तो जब सेवन इंटू टू से मल्टीप्लाई किया है तो उसका नंबरेटर को भी कितना सामने दो से मल्टीप्लाई किया, प्लस फोर्टीन, तो सेम वन से करेंगे, वन इंटू वन अपन फोर्टीन इंटू वन, और माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू, इसको हम बस लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें चलते हैं, तो टू बाई फाइव यहाँ से ये लिखा गया यहाँ पे फिर से इंटू, तो कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स अपॉन फोर्टीन, प्लस ये प्लस है वन बाई फोर्टीन क्लोज ऑफ द ब्रैकेट, माइनस जो था वो लिखा गया। अब देखिए करने क्या है, यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है, इस स्टेप में जो है इस स्टेप में यहाँ का सॉल्यूशन देखिए आपको आना चाहिए कितना है, माइनस सिक्स वाई फोर्टीन प्लस वन वाई फोर्टीन, तो फोर्टीन फोर्टीन ऑफ द एल सी एम कितना हो गया, फोर्टीन हो गया, तो माइनस सिक्स प्लस वन, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ से उतारा गया टू बाई फाइव, यहाँ नोट हो गया, इंटू है, इंटू कर दिया गया, अभी हमने बताया कितना कि माइनस फाइव बाई फोर्टीन आया, माइनस फाइव बाई फोर्टीन क्या नोट किया गया, और यहाँ पर देखो थ्री टू जा सिक्स है ना, तो कितना बच गया यहाँ पे, माइनस वन बाई फोर, क्योंकि टू ए और टू ए दोनों मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो कितना हो गया, फोर होगा ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि माइनस टू बाई फाइव
इंटू माइनस फाइव बाई फोर्टीन माइनस वन बाई फोर। अब ये दोनों में आपस में क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अभी हम जस्ट बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन कहाँ होनी है, तो ये इसमें होनी है, इसमें है ना। तो कितना है, टू बाई फाइव इंटू माइनस फाइव बाई फोर्टीन। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल करेंगे, फाइव वन जा फाइव कट गया और टू सेवन जा फोर्टीन। चलिए नेक्स्ट टर्म दिखाएंगे, माइनस वन बाई फोर, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं इसका। चलिए यहाँ पर चलिए यहीं पर कैंसिल करके दिखा दिया गया है, देख रहे हैं आप साइड में, वन बाई सिक्स इंटू माइनस थ्री बाई टू। तो थ्री टू जा कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स है ना। तो इस तरह से यहाँ कैंसिल करके आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं, बच गया क्या आपके पास। अभी हमने कैंसिल करके बताए थे, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि कितना आया आपका, माइनस वन बाई सेवन। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, टू सेवन जा फोर्टीन और फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, ये वन टाइम में लगा तो माइनस वन बाई सेवन आया। तो माइनस वन बाई सेवन माइनस वन बाई फोर यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे या डिनोमिनेटर को इसका हम सेम करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, इसमें सॉल्यूशन करने पर आपको जो आएगा तो वह आएगा ये आंसर, माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी एट, दस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी एट। तो ये क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया इसका, ओके। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू का। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर वन का फुल सॉल्यूशन आपको हम समझाएंगे, समझाएँ। आई होप आपको वीडियो पूरा देखना है। थैंक यू।